नमस्कार दोस्तों, यह है अपना स्वराज 744 एचटी फोर स्टार रिवर्स वीडियो 52 HP में है ये। आज गेहूं की कतराई में चलता हुआ अच्छी परफॉर्मेंस है। और अभी आपको वीडियो में बने रहें, अभी आपको दिखाएंगे इसके RPM। पहले आप देख लें इसकी क्वालिटी क्या है, कौन सा थ्रेसर लगा है इस पर 744 पे। धूप काफ़ी है क्योंकि अप्रैल का महीना है, धूप काफ़ी होने लगी। आप इसकी गेहूं की क्वालिटी देख सकते हैं, अभी आपको दिखाएंगे। एकदम साफ गेहूं आता है इसका, हवा चलने की वजह से धूप थोड़ा जो है बाहर जा रहा है। और अभी आपको थ्रेसर दिखाएंगे कौन सा है और किस कंपनी का है और कितने HP का है। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े बनाए जाते हैं बोझ, हमारे यहाँ बोझ बोलते हैं इसको। ये आवाज़ सुन सकते हैं आप इसकी, ये हम आज इसको चलाए हैं CR वीडियो में। देखिए वो, ये देखिए आप टैंकर को दिखाते हैं आपको अभी। ये है हथकड़ी का टेसर जो उत्तराखंड का बना हुआ है, इसकी बैलेंसिंग काफ़ी अच्छी है। इसकी पुली जो है 39x33 आप देख सकते हैं, यहाँ डेंजर लिखा है। और आपको मॉडल भी दिखा देते हैं किस मॉडल का है ये देखिए आपको दिख रहा होगा मॉडल नंबर 2023। और इसके ट्रैक्टर के टायर जो हैं गुडियर कंपनी के, उधर से दिखाते हैं, इधर थोड़ा उतार रही है। ये है टायर 14x28 के और आगे वाले टायर ये भी क्लियर के हैं। और ये है 7x16 और इसका आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी प्यारी सी है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। 3478 CC का इंजन है इसका और स्वराज जो है सबसे ज़्यादा CC प्रोवाइड करता है अपने ट्रैक्टरों में, ताकि इसका पावर ज़्यादा रहे अन्य ट्रैक्टरों की अपेक्षा। देखिए कितना लगा रहे हैं, 60 HP का थ्रेसर है और 52 HP का ट्रैक्टर, कम्बिनेशन अच्छा है लगभग। अभी आपको RPM दिखाते हैं कितने निकल रहा है। वीडियो गेयर नंबर 1 पे चल रहा है, इसका एवरेज काफ़ी शानदार है और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। 0 मेंटेनेंस ट्रैक्टर। और अगर आप स्वराज लेते हैं तो इसकी लाइफ भी काफ़ी है अन्य ट्रैक्टरों की अपेक्षा। कुछ ही समय और बचा है, ये ट्रैक्टर 2022 मॉडल, वही सितंबर अक्टूबर का ट्रैक्टर है, महज 1500-1600 RPM पे चलता हुआ।
तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और सोराची वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके।